हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट कनिशा। तो दोस्तों, हर दिन पीपल के पेड़ को जल देने से क्या लाभ मिलता है? यदि दोस्तों आप हर रोज पीपल के पेड़ को जल देते हैं तो इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आता है? तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों आइए जानते हैं पीपल के वृक्ष का महत्व। पद्य पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए इसे धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली और इसका विधि विधान से पूजन आरंभ हुआ। हिंदू धर्म में अनेक अवसरों पर पीपल की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। पुराणों में पीपल का बहुत ही महत्व बताया गया है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सब देवता से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। यह वृक्ष मूर्तिवान श्री विष्णु स्वरूप है। दोस्तों, महात्मा पुरुष इस वृक्ष के पुण्यमय मूल की सेवा करते हैं। इसको गुणों से युक्त और कामनादायक आश्रय मनुष्य के हजारों पापों का नाश करने वाला होता है। पद्य पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम करने और उसकी परिक्रमा करने से आयु लंबी होती है। जो व्यक्ति इस वृक्ष को पानी देता है वो सभी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग को जाता है। दोस्तों, पीपल में पितरों का वास माना गया है। इसमें सब तीर्थों का निवास भी होता है, इसलिए मुंडन आदि संस्कार में पीपल के पेड़ के नीचे करवाना का प्रचलन है। शनि की साढ़ेसाती या ढैया के कुप्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, शाम के समय पेड़ के नीचे दीपक जलाना भी लाभकारी सिद्ध होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे एक अनूठा वृक्ष भी कहा है, जो दिन रात यानी कि 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। शायद इसलिए इस वृक्ष को देव वृक्ष का दर्जा दिया जाता है। यह विश्वास है कि पीपल की निरंतर पूजा अर्चना और परिक्रमा करके जल चढ़ाते रहने से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र उत्पन्न होता है और पुण्य मिलता है। अदृश्य आत्मा तृप्त होकर सहायक बन जाती है। यदि किसी को कोई कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए पीपल के तने में चारों ओर कच्चा सूत लपेटने की भी परंपरा है। पीपल की जड़ में शनिवार को जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। जब किसी की शनि की साढ़ेसाती चलती है तो पीपल के वृक्ष का पूजन तथा परिक्रमा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार शनि की छाया इस पर रहती है। दोस्तों, इसकी छाया यज्ञ हवन पूजा पाठ पुराण कथा आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल, कच्चा दूध थोड़ा चढ़ाकर 7 परिक्रमा करके सूर्य, शंकर, पीपल इन तीनों की सविधि पूजा करें तथा चढ़े जल को नेत्रों में लगाए और पितृ देवाय नमः की 4 बार बोले तो दोस्तों राहु केतु शनि पितृ दोष का निवारण होता है। पीपल के पत्तों से शुभ काम में वंदनमार भी बनाए जाते हैं। धार्मिक श्रद्धालु लोग इस मंदिर के परिसर में अवश्य लगाते हैं। सूर्योदय होने से पहले पीपल पर दारिद्रता का अधिकार होता है और सूर्योदय के बाद लक्ष्मी जी का अधिकार होता है, इसलिए सूर्योदय से पहले पीपल की पूजा करना निषेध माना गया है। पीपल के पेड़ को काटना अथवा नष्ट करना ब्रह्म हत्या के समान पाप माना जाता है। रात्रि में इस वृक्ष के नीचे सोना अशुभ माना जाता है। इसके निकट रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है। इसकी छाया गर्मियों में ठंडी तो सर्दियों में गर्म रहती है। दोस्तों, इस वृक्ष के पत्ते, फल आदि सभी में औषधि गुण रहने से ये रोगनाशक भी होता है। दोस्तों, सभी कारणों से पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। पीपल को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि पीपल का बृहस्पति से सीधा संबंध होता है। बृहस्पति को सभी ग्रहों में सबसे अधिक लाभ देने वाला ग्रह माना जाता है। बृहस्पति धन का कारक ग्रह है। बृहस्पति जब भी किसी के कुंडली में प्रवेश करते हैं तो दोस्तों उस व्यक्ति को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने को कहा जाता है। माना जाता है कि पीपल में जल चढ़ाने से कुंडली में मौजूद कमजोर बृहस्पति
मजबूत होता है और मजबूत बृहस्पति समृद्धि देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल का जड़ यथासंभव इसके स्थान से हटाया या काटा नहीं जाना चाहिए। पीपल की पूजा से कार्य और विचारों में स्थिरता आती है, मन का भटका रुकता है। पीपल की पूजा से व्यक्ति के तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा से विवाह में आ रही बाधा का निवारण होता है और विवाह शीघ्र संपन्न होता है। पीपल का आशीर्वाद संतान जन्म को सरल संभव बनाकर वंश वृद्धि में सहायता करता है। पीपल की पूजा से व्यक्ति में दान धर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है। पीपल की पूजा से आय का प्रवाह आसान बनता है और धन प्रवृत्ति के कई राह खुलते हैं। दोस्तों, पीपल की पूजा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ाती है और उसे दीर्घायु बनाती है। तो दोस्तों, यदि आप हर दिन पीपल की पूजा करते हैं, पीपल को जल चढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, पर एक चीज़ अवश्य ध्यान रखें, पीपल को रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पीपल को रविवार के दिन जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल के रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में दरिद्रता निवास करती है, इसलिए पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन छोड़कर हर दिन जल चढ़ाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप ये नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में आने वाला संकट टल सकता है, आपकी आर्थिक उन्नति के मार्ग आ सकते हैं, आपका जीवन सुधर सकता है। तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखें, आपको रविवार छोड़ के हर दिन पीपल को वृक्ष को पीपल के पेड़ को जल अवश्य चढ़ाएं, इससे आपकी आर्थिक उन्नति जरूर होगी। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।